गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप नवेल आज फिर आपके साथ एक नए वीडियोस के साथ हूँ, कंजेंसों से कुछ नए वीडियोस के साथ। एग्जाम नजदीक हैं, आप अगर बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, एसएससी या डिफेंस के, मैं सभी एग्जाम्स के लिए आपके साथ हूँ, आपके प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ। और इसी उद्देश्य से आज फिर एक नए वीडियोज़ के साथ हूँ, और आज भी मैं कंजम्पशन चैप्टर की तैयारी करूँगा। कंजम्पशन चैप्टर मैंने लास्ट वीडियो में कंजम्पशन चैप्टर के बारे में बताया था, आदर और इधर और नादर नॉट या नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में मैंने जिक्र किया था। आज भी कंजम्पशन वाले जिक्र करते हैं, जो परीक्षाएं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे कंजम्पशन जहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी होते हैं एग्जाम्स में, उनमें से एक देखते हैं आज, ऑल डू या डू, ऑल टू या डू, बहुत सारा सेम, दोनों सेम चीज़ें हैं, थोड़े डिफरेंस होते हैं, अगर कोज ऑप्शन हो तो डिफरेंस जानना पड़ेगा आपको। पहले जानते हैं ऑल डू या डू का प्रयोग कैसे होता है। आप ये जानो, ऑल डू या डू का प्रयोग दो सेंटेंस के बीच कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास, दो अपोजिट स्टेटमेंट को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑल डू या डू का प्रयोग दो सेंटेंस के बीच कॉन्ट्रास्ट या विरोधाभास दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर दो सेंटेंस और अलग और दोनों के बीच में ऑपोजिट बात, जो पहले बातें पहले में कही गई, नेक्स्ट में उसकी अगेंस्ट बात कही जाती है, तो वहाँ कॉन्ट्रास्ट है, और इस तरह कॉन्ट्रास्ट वाले दो अलग अलग सेंटेंस को दिखाने के लिए हम ऑल डू या डू का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और भी जानते हैं ऑल डू या डू के बारे में, जो बेसिक्स हैं आपको जानना ही चाहिए, उसके बिना मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर जानो आप, कि ऑल डू या डू की अगर बात की जाए तो ये बात तय है कि ऑल डू या डू के बाद हमेशा सेंटेंस होगा, ये तय है। कई बार आपको ऑप्शन ड्रॉप करना आसान हो जाता है अगर आप ये तरफ जानते हो, ऑल डू या डू के बाद सेंटेंस होगा फिर कॉमा, और आप चाहें तो यार का प्रयोग कर भी सकते हैं या नहीं भी, या यूँ कह लीजिए सेंटेंस पर ज़्यादा जोर डालने के लिए, ज़्यादा सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए हम यार का प्रयोग करते हैं, और यार का प्रयोग छोड़ भी सकते हैं हम, और यार के बाद फिर एक सेंटेंस होगा। तो फुल स्ट्रक्चर है ऑल डू या डू प्लस सेंटेंस प्लस कॉमा, यार का प्रयोग कर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं प्लस सेंटेंस। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि ऑल डू या डू का प्रयोग दो सेंटेंस के बीच कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए होता है। Although you help him a lot, he complains against you. He complains against you. यहाँ क्या है, although you help him, जैसे भी आप उसकी सहायता करते हैं, बहुत ज़्यादा ही complains against you, वह आपके खिलाफ कंप्लेन करता है। although अगर हिंदी जानना चाहते हो आप, although या डू यद्यपि, नेक्स्ट वाले तथापि, although या डू यद्यपि प्लस तथापि, तो although you help him a lot, यद्यपि आप उसकी सहायता करते हैं बहुत ज़्यादा, he complains against you, वह आपकी कंप्लेन करता है। तो यहाँ क्या हुआ, कॉन्ट्रास्ट है, आप किसी की सहायता करते हैं तो आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहेंगे, क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट उल्टा हो रहा है। तो इस तरह के दो सेंटेंस को दिखाने के लिए हम ऑल डू का प्रयोग करेंगे। सो और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखते हैं ऑल डू ही वर्क वेरी हार्ड yet he failed to obtain 90% marks. He failed to obtain 90% marks in the exam. क्या है कि sentence कह रहा है, although he worked very hard, यदि उसने कई मेहनत की, तथापि या फिर भी वह फेल हो गया 90% मार्क्स लाने में। यहाँ भी क्या हुआ कि कॉन्ट्रास्ट है सेंटेंस के बीच, यदि उसने कड़ी मेहनत की तथापि हुआ फेल हो गया 90% मार्क्स लाने में। तो इस तरह के सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप ऑल टू या डू का प्रयोग कर सकते हो। अब देखिए एग्जामिनेशन में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ये जानना जरूरी होता है आपके लिए कि किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। आप ये जान लो, ऑल डू या डू कि अगर बात की जाए ना, तो इनके साथ हमेशा यट का प्रयोग सही होता है, बट गलत होगा, सो गलत होगा, हैंस गलत होगा। तो
कुछ भी करेंगे गलत होगा। और दूसरे ग्रुप के साथ यस सही है बट गलत है, वो गलत है, हैंस गलत है, कुछ भी डिकाउंस कर लो, कुछ भी कर लो, डैम कर लो, एवरीथिंग विल बी रॉन्ग, कुछ भी कर लो सब रॉन्ग होगा। सही क्या होगा केवल ये, या तो करो ही मत, या तो करो ही नहीं, अगर करो तो फिर यस करो। और ये जानना है कि यस का प्रयोग क्यों करें, तो सेंटेंस पर ज्यादा जोर डालने के लिए या सेंटेंस को ज्यादा इमिसाइज करने के लिए हम ऑल डू या डू के साथ यस का प्रयोग करते हैं और कोई भी दूसरा रीजन नहीं है। अब देखिए प्लान स्पेस में कैसे पूछे जाते हैं सेंटेंस, प्लान स्पेस से फिलर वगैरह या कंजंक्शन से जो पूछने के तरीके हैं वो जानते हैं हम लोग। He works very hard for money. You don't give him money. ऑप्शंस में देखते हैं, दिए गए हैं एज, बी में बट, सी में बिकाउज, डी में ऑल्दू। दो सेंटेंस है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है पैसे के लिए, ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर मनी, यू डोंट गिव हिम मनी, आप उसे पैसे नहीं देते हैं। कोई आदमी पैसे के लिए काम कर रहा है और उसे कहता है कि कहा जाता है नेक्स्ट में कि आप उसे पैसे नहीं देते हैं, क्या है सेंटेंसेस कॉन्ट्रास्ट है, फिर भी आप ट्राई कर लो एज। अगर एज को सेंटेंस के स्टार्ट में रखा जाए तो एज मीन्स होता है चूंकि, एज चूंकि वह कड़ी मेहनत करता है इसलिए आप पैसे नहीं देते हैं, गलत ये भी नहीं होगा। बट से कभी सेंटेंस स्टार्ट होता ही नहीं है, ये हिट एंड ट्राई होगा आपके लिए, आप दिमाग में सेट कर लो। बट से कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, बट दो सेंटेंस के बीच में आएगा करेक्ट करने के लिए सेंटेंस को, स्टार्टअप तो होगा ही नहीं। बिकाउज, अगर बिकाउज से ट्राई करें, बिकाउज से स्टार्ट करें सेंटेंस को, तो बिकाउज मीन्स चूंकि, चूंकि वह कड़ी मेहनत करता है पैसे के लिए आप इसलिए आप उसे नहीं देते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। अगर लेकिन हम बात करें ऑल्दो की, ऑल्दो ही वर्क्स वेरी हार्ड फॉर मनी, यद्यपि वह बहुत कड़ी मेहनत करता है पैसे के लिए आप उसे पैसे नहीं देते, यहाँ पर क्या होगा सेंटेंस मीन्स कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए ऑल्दो का प्रयोग क्या होगा सही होगा यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस के लिए। एक और देखते हैं परीक्षाओं में पूछे जाने के और भी तरीके हैं इस तरह के कंजंक्शंस को के पूछे जाने के, कई सारे तरीके होते हैं जो आपको जानने होंगे और ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं आज के समय में एग्जाम्स में के लिए, क्या पूछे जाते हैं और क्या नहीं पूछे जाते हैं, आपको कितना पता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर नो नोइंग फॉर ऑल ऑफ अस, जानने के लिए कि क्या पूछे जाएंगे और क्या नहीं पूछे जाएंगे। Although they have tried to entangle you in a murder case, but they can't do anything against you. Anything against you. इसे पार्ट ए मानते हैं, इसे मानते हैं पार्ट बी और इसे पार्ट सी। और अगर पूछा जाए कि आंसर क्या होगा तो ज्यादा समय वेस्ट करना ही नहीं है, ऑल्दो या डू के बाद बट का प्रयोग नहीं होता है, ऑल्दो या डू के बाद बट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ऑल्दो या क्या होगा आंसर आपका पार्ट बी होगा, क्योंकि ऑल्दो या डू के साथ बट होता ही नहीं है और ज्यादा समय वेस्ट करेंगे नहीं, सवाल को पढ़ने समझने कुछ नहीं करना है, ऑल्दो या डू प्रयोग किया गया बट का प्रयोग नहीं होगा, आंसर आपका बी होगा। इस तरह की चीजें हैं, खैर कंजंक्शंस में और भी कई सारी चीज़ें हैं, मैं आगे और भी चीज़ें बताऊँगा आपको। अब रेगुलर रहूँगा मैं वीडियोज़ के साथ, कंजंक्शंस नज़दीक हैं और नई नई वीडियोज़ नए नए चैप्टर्स नए नए थीम्स लेकर आऊँगा मैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।